हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग फिट और फाइन होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और आज हम पूरी फैमिली मिलके एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, जिसमें हम दर्शन भी करेंगे भगवती का। तो आगे आगे देखिए, छोटा सा सरप्राइज़ है आप लोग को, आई होप पसंद ज़रूर आएगा। तो बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग के साथ। तो अब हम बिना देरी के हुए अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग मैं अपने भगवान भगवती का दर्शन करके ही स्टार्ट करना चाहती हूँ और आप लोग को भी दर्शन करवाना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पार्ट वाइज आएगा, तो प्लीज़ बने रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग अपने मंदिर दर्शन की तरफ निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग ऊँचे भगवती के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सब ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और वीडियो देखते रहें। तो अब हम उच्चैठ भगवती का दर्शन कर रहे हैं। आप सब भी भगवती का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, ऐसा बोला जाता है। और मैं मानती भी हूँ कि जो भी सच्चे मन से भगवती के दरबार में आता है अपनी मुराद लेकर, भगवती सबकी मुराद पूरी करती हैं। तो आप लोग भी दर्शन प्राप्त कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत मान्यता वाली ये मंदिर है और बहुत प्राचीन, बहुत मनोहर दृश्य है यहाँ का। और मैं जितना भी बोलूँ मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं भगवती माता के बारे में कुछ भी बोलने का। मंदिर प्रांगण में ही अनेक देवी देवताओं का मंदिर है, जैसे कि भोलेदानी का महादेव बाबा का आपको दर्शन करने को मिलेगा। ये महादेव बाबा हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये दुर्गा भगवती हैं, अन्नपूर्णा भगवती हैं, गायत्री मंदिर है और भी अनेक देवी देवताओं का मंदिर प्रांगण में ही आपको दर्शन करने का मिलेगा। हर भगवान भगवती का अलग अलग मंदिर बना हुआ है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ और भगवान भगवती का दर्शन करें। और बहुत मनोहर दृश्य है, बहुत शांति यहाँ आपको मिलेगी, बहुत शांत वातावरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ बहुत हवा तेज है, इस वजह से मेरे पूरे बाल बिखरे पड़े हैं और सॉरी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ कि ये मंदिर का दृश्य दिखाने से। यहाँ का इतना सुंदर वातावरण है। अब हम मंदिर प्रांगण के बाहर निकल रहे हैं। यहाँ छोटा सा मेला लगा हुआ है, तो मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ। गाइस, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था, तो आप सब ये ब्लॉग को अपना प्यार दें, स्नेह दें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहें।